चलो बच्चों, स्टोरी टाइम में हमने द लॉइन एंड द मसल के जी के जोड़ के सेकंड पेज में पेज नंबर 77। ओके चलो स्टोरी टाइम में कौन सा आज द लॉइन एंड द मस। चलो स्टार्ट करेंगे। पिक्चर भी देखो बच्चों, पिक्चर में लॉइन दिख रहा है, मॉस भी दिख रहा है। ओके, वन डे मॉस रैन ओवर स्लीपिंग लॉइन। लॉइन वेक अप एंड कॉट द मॉस। द मॉस बेग्ड द लॉइन, प्लीज लीव मी, आई विल सेव वन डे। द लॉइन लाफ्ड एंड फ्रीड द मॉस। वन डे लॉइन वॉज कॉट द नीड। Lion roared help. The mouse ran to help the lion. It beat the neat sharp teeth and set the lion free. Moral of the story, one good turn deserve another. अब ये बच्चों आपको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी स्टोरी क्या है। द लॉयन एंड द माउस, सिंह और चूहा, शेर और चूहा की स्टोरी है। एक बार शेर सोया था, उस पेपर चूहे इधर से उधर कूद रहा था तो उसकी नींद खराब हो गई, क्योंकि लॉयन सोया था ना, उस शेर सोया था, उसकी नींद खराब हो गई। वो जाग गया, उसको बहुत ही गुस्सा आ गया, उसने इससे पकड़ के ले चूहे को, और चूहा बहुत घबराया। चूहा बोला, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं आपको कहीं तो कहीं पर एक बार हेल्प करूँगी, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। इसलिए वो लॉयन हंस रहा था, अरे चाहे इतना छोड़ मेरी क्या हेल्प कर सकता है, ऐसे लगा और उसको उसने छोड़ दिया। तो एक दिन शेर के ऊपर बहुत बड़ा जाला, ये देखो दिख रहा है बच्चों पिक्चर में, उसी तरह से उसके ऊपर नीट डाला था शिकारी ने। एक शिकारी ने लॉयन को पकड़ने के लिए उस पर जाला डाला, और लॉयन बहुत ज़ोर से चिल्ला था, मुझे कोई हेल्प करो, मुझे कोई हेल्प करो। तो मॉस ने सुना और मॉस से और भागते भागते लॉयन के पास, शेर के पास आ गया, और उसने अपने शार्प पट्टी से चूहे के बहुत तीर बहुत शार्प होते बच्चों, उसने शार्प पट्टी से सब नेट को काट कर निकाल दिया और लॉयन फ्री हो गया। तो मॉरल ऑफ स्टोरी क्या है, वन गुड टर्न डिजर्व अनदर। किया गया उपकार कभी भी व्यर्थ नहीं होता जाता, उसका मोल अवश्य किसी न किसी रूप में प्राप्त होता है। ओके बच्चों, ये आपकी मॉरल ऑफ स्टोरी। छोटा बड़ा भी कोई नहीं होता, ये छोटा चूहा भी कितनी बड़ी बड़ी कामें किया, देखो लॉयन को फ्री कर दिया। ओके बच्चों।